पूरे शहर में बंदरों का आतंक है। ऐसे में बंदरों के आतंक से शहरवासी परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भी बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ रहा है। बंदरों का जिला चिकित्सालय में किस कदर आतंक है, उसका अंदाजा आप इन वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। आलम यह है कि जिला चिकित्सालय में आने वाले लोगों को बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के दुकानदार हाथों में डंडे लेकर इन बंदरों से लोगों का बचाव कर रहे हैं। इसी क्रम में मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि जिला अस्पताल के गेट पर ही बंदरों के झुंड बैठे रहते हैं, साथ ही ऐसे में अस्पताल के अंदर आने जाने में डर बना रहता है कहीं बंदर हमला न कर दे। साथ ही मरीज के तीमारदार अपने मरीजों के लिए जो खाना लेकर जिला अस्पताल पहुंचते हैं तो बंदर उन मरीजों के तीमारदारों का खाना भी छीन लेते हैं और हमला भी करते हैं। जिला चिकित्सालय में दिन बाद इन बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, मगर इस ओर ना तो नगर निगम ध्यान दे रहा है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला अस्पताल में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और यहाँ पर बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं सबों को। यहाँ पर दो जनों के ऊपर हमला भी कर दिया बंदरों ने और लाइटिंग से मार रहे हैं, जब भी नहीं भाग रहे हैं बंदर। कितने लोग खड़े हैं अभी रास्ता रुके हुए? यहाँ पे 85 लोग खड़े हैं, मगर बंदर जाने नहीं दे रहे। कोई मरीज ऑपरेशन के लिए वो जा रही नहीं बेचारी, तो कह रही अब कैसे जाए आगे, बंदर जाने नहीं दे रहे हैं। वहीं जिला चिकित्सालय गेट पर चाय की दुकान लगाने वाले प्रदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि गेट पर ही बंदरों का जमावड़ा आए दिन रहता है और ऐसे में जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों पर यह बंदर हमला करते रहते हैं और आने जाने में भी लोगों को डर बना रहता है कि कहीं बंदर हमला न कर दे। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बंदरों का आतंक इतना मच चुका है कि मरीजों के तीमारदार भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में चिकित्सालय प्रशासन चुप्पी क्यों लगाए रखा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी उज्जवल श्रीवास्तव के साथ मैं सलमान हैदर, SS लोकल लाइव न्यूज, मुरादाबाद। गौरतलब है कि अस्पताल में बंदरों का आतंक मुसीबतों का सबब बना हुआ है।